पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा ब्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिरोस्लाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा ब्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी
अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा डायरीज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है?
पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिरुसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा ब्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है।
कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा
छायाकार कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैथिली मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिरोस्लाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैथिली मूवी मेकर्स बैनर ने किया।
कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा डायरीज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरुसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कुमार ब्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैथिली मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने
मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया, कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया। इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है। पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरुसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा ब्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम श्रु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची। पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया, कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया। इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है। पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में
वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिरोस्लाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है।
पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरोसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरोसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा ब्रोजेक द्वारा किया गया है
और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा डायरीज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरुसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना
से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है। लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम श्रु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है। लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख
पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिरोस्लाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भमर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भमर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा।
लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइस का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइस निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना
के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन, तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कुंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम, शुरू, सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज, अल्लू अर्जुन, तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन, तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कुंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम, शुरू, सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है
जिसके उससे साथ अन्याय किया। ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी सिद्धब्बा नायडू राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरोसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा ब्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कुंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी सिद्धब्बा नायडू राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था।
पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भमर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भमर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और
इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरोसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कुंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया, कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरोसलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार
द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और अनुष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ
हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया।
शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पाराज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कुंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया, कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है।
कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भमर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भमर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया, कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा
छायाकार कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश, राज सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया।
कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमेशका मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा ब्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमेशका मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के
अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची, पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया, कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया। इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है। पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कुंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भमर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भमर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची। पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया, कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया। इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है। पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं, पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की
कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कोंडोरेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरु सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजिल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया? कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, रामनवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेन फिल्म है।
पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मिसलोवन कोमा प्रोजेक द्वारा किया गया है और इसे कृतिका श्रीनिवास द्वारा संपादित किया गया है। फिल्मों का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स बैनर ने किया। कहानी पुष्पा राज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में लाल चंदन के अवैध व्यापार में मजदूरी का काम करता है। कम से कम कहने के लिए एक घरेलू नाम की कमी, हालांकि कुली की अपने जीवन को कुली के रूप में देखने और दुनिया को जीतने की इच्छा को बढ़ाती है। कुंडो रेड्डी अजय घोष जो अपने व्यवसाय में प्रतीक्षा कर रहा है, मंगलम शुरू सुनील और दक्षिणी अनुसाय के साथ हाथ मिलाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देती है कि जिसके उससे साथ अन्याय किया, ऐसे में जिले में पुलिस अधीक्षक बनाकर आए भंवर सिंह शेखापात फाजल फतेह। भंवर सिंह पुष्पा की शादी श्रीवल्ली रमिष्का मंदाना से उनके गृहनगर से रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची? पुष्पा ने मंगलम श्रीनु के साथ धार्मिकता की योजना कैसे बनाई, जिन्होंने उनका सम्मान किया और सामना भी किया, कैसे उनसे श्रीवल्ली को उससे शादी करने के लिए राजी किया? इस कहानी के में सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धब्बा नायडू, राम नवेश की क्या भूमिका है? पुष्पा फिल्म की कहानी उस सवाल का जवाब है जिससे सुकुमार को पुष्पा के दूसरे भाग में इतना दिलचस्प बना दिया। शीर्षक लोग और फर्स्ट लुक 8 अप्रैल 2020 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। पुष्पा राज टीसर का परिचय 7 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। रिलीज़ की तारीख पुष्पा 17 दिसंबर को 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसके निर्देशांक अवलोकन की बात करें तो इसके अवलोकन हैं। पुष्पा एक एक्शन मूवी के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन पुष्पा मूवी की कहानी की समीक्षा में वह सिस्टम में आ गई और समीक्षा के दौरान भी उसका सिस्टम कुछ ना चला। समीक्षा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में कुल मिलाकर पुष्पा अल्लू अर्जुन का द मैन शो है, क्योंकि एक्टन स्टार में नॉकआउट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर पुष्पा पूरी तरह से अल्लू अर्जुन और उसके सराहनीय प्रदर्शन से संबंधित है। पुष्पा उच्च क्षमता वाली एक अनूठी व्यावसायिक फिल्म है। आप इसे देख सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूवी को द मैन राइज ने भी सिस्टम के अनुरूप बताया और इस मूवी में काम करने वाले सभी दर्शकों को सिस्टम के अनुरूप ही चलाने को कहा। लेकिन पुष्पा फिल्म की बात की तो उस मूवी में द राइज का मैन अवलोकन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि इस मूवी का सिस्टम पूरी पुष्पा द राइज निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदना के साथ फतेह हासिल, जगपति बाबू, धनंजय प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जबकि छायाकाल मेरो सलाव कुछ ब्रुक्सेज किया गया था और पुष्पा छायाकाल कृतिवास नू संपादित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैथिली मेसर्स बैनर ने किया। कहानी में पुष्पराज अल्लू अर्जुन तिरुपति के बचे हुए जंगलों में